लगता है एक बार देखनी चाहिए सभी को। और जो हमारे यहाँ अभी रिसेंट में चल रहा है जो हमारे बॉर्डर पे है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं और खासकर उसकी एक्टिंग मुझे हीरो से इसमें काफ़ी अच्छा लगा। तो नाइस, गुड शो। हाँ हाँ, स्टोरी अच्छी है, नाइस। डायरेक्शन अच्छा है, काफ़ी है। अगर मैं देना चाहूँ स्टार तो 3.5 out of 5। सॉन्ग अच्छा, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया जो बॉर्डर पे जो फिल्माया गया है, विद नाइस सॉन्ग आई थिंक। कुछ फील हुआ, कुछ देशभक्ति वाली फील? बिल्कुल फील आई, मैं तो कहूँगा सभी लोग जाओ देखने, पता चलेगा क्या है। 4 out of 5। हाँ, सूरज पंचोली की एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हीरो के बाद उन्होंने बहुत टाइम के बाद एक मूवी उन खुद की आई है तो मुझे उनकी एक्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट लगा और अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। कहानी की अगर बात की तो कहानी क्या बताती है? कहानी उसकी ज़्यादा मतलब ये नहीं है, स्वीट एंड सिंपल स्टोरी है लेकिन अच्छी है। कुछ मैसेज मिला आपको? हाँ, मतलब उसमें देशभक्ति का मैसेज है और इंस्पायर करेंगी ये फिल्म लोगों को। गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाने ठीक ठाक है। कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.5। सेटेलाइट सेंटर बहुत अच्छी मूवी है और बहुत मज़ा आया फिल्म देख करके, और जितनी तारीफ की जाए फिल्म की कम है। तो सूरज के बारे में बात करें तो सूरज के अभिनय देख करके ऐसा नहीं लगता है कि उनकी सेकंड मूवी है, बहुत बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया है। कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 स्टार देना चाहूँगा। अच्छी, बहुत अच्छी है और सूरज पंचोली ने बहुत अच्छा काम किया है। माय ऑल द बेस्ट फॉर हिम और ओवरऑल अच्छी फिल्म है। सर कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 to 4। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, सूरज का बहुत अच्छा रोल है, फौजी टाइप का, फौजी यानी क्या बोलते देशभक्ति टाइप का है। बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं इसमें आप लोग अच्छा यानी मैसेज वगैरह जो भी है आपको अच्छा दिया हुआ। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा गया, गाना बहुत बेस्ट है, बॉर्डर का सीन है, कैसे रहते हैं कैसे नहीं, फैमिली के साथ कैसे रहना, बॉर्डर में कैसे रहना प्रॉपर बताते हैं। तो कितने स्टार देना चाहिए इसमें? 5 3.5। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें, सूरज पंचोली की एक्टिंग भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी तो मेरे को पसंद आया। इसमें उन्होंने एक फौजी की भूमिका में है तो अच्छा लगा मेरे को। सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं और मतलब एक इमोशन है फिल्म में। मैं 4 देना चाहूँगी। मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है लेकिन आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ऐसी मूवी मिस कर दोगे तो लो बजट मूवी है हालांकि, लेकिन बहुत अच्छी मूवी आप जाके देख सकते हैं। सूरज पंचोली को वैसे हमने बड़े पर्दे में बहुत कम देखा है लेकिन एक वो भूमि के सॉरी फौजी के किरदार में वापस लौट कर आए तो ही इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। उनकी जो एक्टिंग वो बहुत इंप्रेसिव है, आपको इम्प्रेस कर जाएगी। सॉन्ग्स आर अमेजिंग, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी सॉन्ग्स की, इस मूवी में ज़रूरत नहीं थी सॉन्ग की लेकिन फिर भी अगर डाल दिया है तो कहीं ना डायरेक्टर ने कुछ सोच के डाला होगा, लेकिन अच्छी है सॉन्ग्स भी। उनको जो हमने फर्स्ट मूवी में देखा था तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि ये आगे चल पाएंगे इस बॉलीवुड में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट शंकर की तो जब मैंने इस मूवी में देखा तो मुझे लगता है कि ये आगे जा सकते हैं बिकॉज उन्होंने खुद को इस कदर इम्प्रूव कर दिया है कि लाइक अच्छे लग रहे वो। बड़े पर्दे पर देखना उन्हें अच्छा लग रहा है, हम देखना पसंद कर रहे हैं। मैं देना चाहूँगी 3 स्टार।